खबरों की शुरुआत करते हैं शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई। पैतृगांव चोकड़ा में अंतिम संस्कार होगा। हरमाड़ा चौराहे पर क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि उन्हें दी। अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। भारत चीन सीमा पर तैनात थे भागचंद गुर्जर। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अजमेर के किशनगढ़ के टोकड़ा गांव की तस्वीरें। अंतिम यात्रा में जनसैलाब की तस्वीरें आप देखिए। लोग लगातार भारत माता की जय के नारे और शहीद भागचंद गुर्जर अमर रहे के नारे इस पूरी यात्रा के दौरान लगाते रहे। पैतृगांव टोकड़ा में उनका अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ हरमाड़ा चौराहे पर जब पहुंचे सेना के वाहन में क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि उन्हें दी। अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी विमल का रुख कर लेते हैं। स्थानीय संवाददाता हमारे साथ में इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विमल देखिए शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई और अंतिम विदाई से जो तस्वीरें आई वो सभी की आंखें नम करने वाली थी। विमल एक बड़ा जनसैलाब, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पर? आंखें नम करने के वहीं एक देशभक्ति का भी प्रेम दिख रहा है। गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो तिरंगा झंडा हाथ में लेकर शहीद भागचंद गुर्जर के जयकारे लगा रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से पूरा गांव गूंज गया है। कहीं ना कहीं जो शहीद भागचंद गुर्जर का परिवार है वहाँ पे गमगीन माहौल है। उनके घर परिवार में शोक की लहर है, लेकिन वही जो युवा है, बच्चे हैं, क्षेत्रवासी है, उनमें एक जोश है। भारत माता के प्रति जो समर्पण है उसको भी देखा जा रहा है। भारत माता वंदे मातरम के जयकारों का नारों से पूरा गांव क्षेत्र गूंज उठा है। मार्वल सिटी अस्पताल में जो शहीद भागचंद गुर्जर है उनका पार्थिव देह रखी गई थी और मार्वल सिटी अस्पताल से रवाना हो गई। जगह जगह जो शहीद है उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। करीब 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें आने में भी आधे से पौन घंटा लग रहा है, क्योंकि लोगों में एक देशभक्ति की भावना है, शहीद के प्रति जो समर्पण है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल विमल, और देखिए ऐसे मौके पर हर कोई दुखी भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक गौरव का भाव भी होता है। शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब की तस्वीरें तो विमल हमने देखी। क्या जानकारी फिलहाल कब तक अंतिम संस्कार का जो पूरी जानकारी है वो अब तक लग पा रही है? कौन से रास्तों से होकर गुजर रही है अंतिम यात्रा? जी ये किशनगढ़ से अंतिम यात्रा है जो आ रही है, कुछ ही देर में आ जाएगी और जो शहीद है भागचंद गुर्जर उनके घर पे पार्थिव दे जाएगा और जो भी धार्मिक क्रियाएं होती है वो होगी। उसके बाद में जो यहाँ पे पास ही में एक जगह चिन्हित की गई है जहाँ पे शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा उसको लेकर पूरी तैयारियाँ है। सांसद बागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश सात और जो जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हरिरामा, भाजपा के युवा नेता विकास चौधरी है वो भी अंतिम यात्रा में शामिल है। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी अंतिम यात्रा में शामिल है। पूरे गांव के लोग यहां, लग रहा है कि पुलिस को व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। गांव वासी खुद ही इतना समर्पण दिखा रहे हैं कि वो आगे से आगे व्यवस्था कर रही है। इस धूप में भी बच्चे तिरंगा झंडा हाथ में लेके खड़े हैं और इनकी जो जलपान की व्यवस्था है वो भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं इनमें भी जोश है कि हमारे गाँव का एक शहीद है जिसने माता का मान बढ़ाया है, गर्व बढ़ाया है। ये सब जो माहौल है गम के साथ में ही गौरवान्वित भी कर रहा है। बिल्कुल विमल, आपने ठीक कहा, ये गम का समय तो है लेकिन एक गौरवान्वित करने वाला विषय भी है। आपके पीछे लोग भी नजर आ रहे हैं। विमल आप अभी एग्जैक्टली कहां पर मौजूद हैं? मुमकिन है आप किसी से बात कर पाए, प्रतिक्रियाएं ले पाए, क्योंकि मुश्किल भरा समय तो है लेकिन प्रदेशवासियों के लिए और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से जिस गाँव से आते हैं उनके लिए एक बड़ी बात है। जी शहीद का घर है वहाँ मैं खड़ा हूँ, शहीद के घर के बाहर लोगों में है। मैं यहाँ पे जो रामस्वरूप भडाना है गुर्जर नेता है वो भी है, मैं बात करने की कोशिश करूँगा एक बार। विकास चौधरी जी है जो भाजपा नेता है इनसे मैं बात करना। विकास जी ऐसा माहौल है, गमगीन भी है, कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी कर रहा हूँ। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं अंतिम यात्रा आज, उसमें जन सैलाब उमड़ा। भारत चीन सीमा पर तैनात थे भागचंद गुर्जर और शहीद भागचंद गुर्जर को अंतिम विदाई, अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पैतृगांव टोकड़ा में अंतिम संस्कार होगा। हर कोई गमगीन है लेकिन साथ ही साथ इस चीज पर प्राउड भी फील कर रहा है कि उनके क्षेत्र से इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी बलिदान देने वाले शहीद भागचंद गुर्जर। क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि उन्हें जगह जगह, जिस भी जगह से अंतिम यात्रा
निकली अंतिम सफर पर अपने शहीद भागचंद गुर्जर निकले। यात्रा में जन सैलाब और आप देखे तस्वीरें, साथ साथ पूरा काफिला और काफिले के साथ साथ सेना के वाहन के साथ साथ लोग जैसे ही देखते गए हाथ जोड़कर अभिनंदन, गर्दन झुकाकर नतमस्तक होकर करते गए और साथ साथ उस काफिले के जुड़ते गए और देखते ही देखते ये काफिला एक जन सैलाब में तब्दील हो गया। भारत चीन सीमा पर तैनात थे शहीद भागचंद गुर्जर। अब से कुछ ही देर के बाद में जब उनके घर पर पार्थिव देह पहुंचेगी, पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद उनके पैतृक गांव टोकड़ा में अंतिम संस्कार होगा। हरमाड़ा चौराहे पर क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि स्वरूप वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद भागचंद गुर्जर अमर रहे जैसे नारे लगाए और पूरा वातावरण उस समय भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो गया। देखिए ऐसे जब मौके होते हैं, ये मुश्किल भरे ज़रूर होते हैं, परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन परिवार से जब व्यक्ति अपने घर से निकल कर जाता है और सेना में भर्ती होने के लिए, शायद ये क्षण, ये पल जो कि उसकी ज़िंदगी का, उसके पूरे कार्यकाल का सबसे बड़ा क्षण।